उज्जैन के क्षीरसागर उद्यान में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मौन धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया और राज्य और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस के नेता और पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेसियों से कहा कि इस समय हालात बिगड़े हुए हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम जनता के हित में कार्य नहीं कर रही, इसलिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी विरोध दर्ज करा रहे हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से विरोध दर्ज कराते रहेंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर समस्त कांग्रेस जनों ने यहाँ पर बापूजी के प्रिय भजन गाए और धरना दिया। आज पुण्यतिथि के दिन धरना इसलिए देना पड़ा कि आज अगर बापू होते तो वो कितने शर्मिंदा होते कि जिस किसान को, जिस अन्नदाता को, जिस अंतिम व्यक्ति को ग्राम स्वराज पहुँचाने की बात वो करते थे, आज उस किसान को अपने ही हक और अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। किस तरीके से किसान लोगों के आंदोलनों को कुचला जा रहा है और उनको देशद्रोही गद्दार बताया जा रहा है, जबकि अब जिस तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं, आरएसएस के शाखा में 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया है। तिरंगे का अपमान इन्होंने ज़्यादा किया है कि जिन पे आरोप लगाया उन्होंने ज़्यादा किया है? आज हम सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे बैठ के आंदोलन किया, शांतिपूर्ण धरना दिया, उसी को उपलब्ध लोग उपस्थित। उसके बाद में हमारे सेवा दल के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ने आज किसानों के जो वहाँ पर काले तीन काले बिल आए उनके विरोध में धरना प्रदर्शन रखा है और कांग्रेस पार्टी और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हम सब चाहते हैं कि उनकी मेरी सरकार है ये संभल जाए और हमारे किसानों की रोज एक एक की जान जा रही है, उन लोगों के काले बिल ये वापस ले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।